पता है कि मेरे हाथों में क्या है? ये मेरे लिए भी बताना मुश्किल है कि ये क्या है। दरअसल कई बार कई बातें ऐसी होती हैं जिसे आप महसूस तो करते हैं लेकिन बताना मुश्किल होता है। दरअसल ये जो है, 14 अगस्त को मैं यहाँ से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से पाका बॉर्डर यानी अटारी गई थी। 14 की आधी रात को यानी 15 अगस्त की आधी रात को वहाँ पर हिंदुस्तान से आए कुछ लोग एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम था आगाज से दोस्ती, उसमें मैं भी गई थी, जहाँ सब ने मिलकर कैंडल मार्च किया और तिरंगा लहराया। कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी आए थे और वो वहाँ से पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर जो एक मिठाई है जिसे बलकावा कहते हैं वो लेकर आए थे। वो सब में बांटा गया, सब ने खाया, डब्बा खाली हो गया और डब्बा जिससे बांधा गया था ये वहाँ एक किनारे पे पड़ा हुआ था, जिसे मैंने उठा लिया और संभाल कर इसे अपने पास में ले आई। दरअसल मैं जब से वहाँ से लौटी हूँ मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि अगर उन चंद राजनैतिक स्वार्थ के लिए इस देश के टुकड़े नहीं हुए होते तो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होता और पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। ये बातें ऐसी हैं कि जिन्होंने कहानियों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है बंटवारे के बारे में, उनके लिए समझना मुश्किल है। जब तक कि आप सचमुच उन लोगों से मिलकर के बैठ कर के बातें ना करें जिन्होंने बंटवारे का दुख देखा है, लाखों लोगों, लाखों परिवारों के जीवन पर उसका असर हुआ। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस जगह पे आप दोबारा लौटना चाहते हैं तो उसे पलटकर एक बार देख लेना चाहिए। मैं जब उस रात वहाँ से वापस आ रही थी तो मैं बार बार पलट के उस सरहद को देख रही थी जिससे कुछ ही दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर हमारे ही देश का एक दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान है और वो कुछ गज की दूरियां तय करना या फलांगना आज कितना चुनौती भरा है। आ